मध्य प्रदेश में हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला धमोह जिले से सामने आया है, जहां दो पक्षों के बीच हुए विवाद को सुलझाने गए सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल तेंदुखेड़ा थाने के सेलवाड़ा और दुलारा गांव के युवकों के बीच होली के चलते विवाद हो गया था। सेलवाड़ा गांव में हुए विवाद के बाद सरपंच उजियार सिंह ने आरोपी युवक और अपने गांव के युवक को समझा बुझा कर बीच बचाव किया था। ये मामला दिन में तो शांत हो गया, लेकिन रात होते होते दुलारा के रहने वाले युवक किशोरी अपने दोस्त हल्के लोधी के साथ सेलवाड़ा सरपंच उजियार सिंह के पास पहुंचे और विवाद करने लगे। इसी दौरान किशोरी ने उजियार सिंह को गोली मार दी, जिससे सरपंच की घटना स्थल पर ही मौत हो। सरपंच के परिजनों का कहना है कि बीच बचाव करने पर ही हत्या की गई है, साथ ही आरोपियों को तुरंत अरेस्ट करने की भी मांग की है। कल ये लगभग 3-4 बजे की घटना है कि 3-4 लड़के वहीं गांव के थे, तो वो आपस में लड़ झगड़ रहे होंगे, तो हमारे सरपंच भी वहीं पर रहे शायद, तो वहाँ पर जो है उनने बीच बचाव किया। अब बीच बचाव करा करके उनको आपस में छुटा करके और वहाँ से भगा दिया। फिर इसके बाद शाम को वो लड़के आए हैं, तो वहाँ पर उन लड़कों को वो ढूंढते रहे, वो नहीं मिले, तो उनको मन में ऐसा आया कि इनने इनको मतलब सपोर्ट किया है, तो शायद इसी के चलते उनने इनको गोली मार दी है। तो इससे हमारे क्षेत्र में काफ़ी मतलब आक्रोश है कि इस प्रकार की जो घटना है, मतलब वो एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं हमारे क्षेत्र के। हम चाहते हैं कि अपराधियों को शीघ्रता से मतलब जो है गिरफ्तार किया जाए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जावे। वही सरपंच की हत्या की वारदात का गांव वालों को जैसे ही पता चला, इससे पहले ही आरोपी दोनों युवक घटना स्थल से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए सरपंच उजियार सिंह का शव तेंदुखाड़ा लेकर आ, जहां पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। एसडीओपी तेंदुखेड़ा के मुताबिक इस हत्या के पीछे मामूली विवाद होना बताया जा रहा है, साथ ही आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की बात कही। होली के विवाद में हुई हत्या के बाद सेलवाड़ा गांव में तनाव का माहौल है। सेलवाड़ा में कल दिन में एक दुलारा गांव का किशोर लोधी का यहां के तो सेलवाड़ा के लोगों से, दो लड़कों से ऐसे साधारण विवाद हो रहा था, गाली गलौज कर रहे थे। तो ये सरपंच उजियार सिंह जो थे, इन्होंने डांट के दोनों को अलग कर दिया था, तो दोनों अलग हो गए थे, चले गए थे। इसके बाद करीब रात 8 बजे करीब किशोरी मोटरसाइकिल से आया और उसके साथ में हल्के लोधी भी था, और आके उसने सीधे सरपंच उजियार सिंह को गोली मार दी। अभी गिरफ्तार किए गए, तो 302 का प्रकरण उसमें पंजीबद्ध किया गया है। डेड बॉडी पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम हो गया है और रवाना कर दिया गया है। आरोपियों के तलाश अभी हम लोग कर रहे हैं, पार्टियां लगी, रात से ही पार्टियां लगी हैं और जल्दी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ ने कुर्सी संभाली है, उसके बाद से राज्य में अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। कमलनाथ सरकार पर बीजेपी शुरू से बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर हमलावर, ऐसे में देखना होगा कि कमलनाथ सरकार अपराध पर कैसे अंकुश लगाती है। दमोह से शांतनु भारत की रिपोर्ट।